सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ, पार्किंग कर दी है अपनी कार और ये रहे, अगर आपको दिख रहा हो तो, लेकिन हम लोग को स्टार्ट करना है। ये रहे हमारे आदि योगी जी, अगर आपको दिख रहा हो तो, मेरे को लगता नहीं दिख रहा होगा, शायद से दूर है इसलिए। तो गाइस जब हम लोग जा रहे हैं आदि आदि योगी नहीं ज्योतिर्लिंगेश्वर, क्या बोले थे, वही तो है, कुछ तो है बोले, वहाँ पे जाइए, पहले वहाँ पे परिक्रमा करिए, फिर आदि योगी के पास जाइए, वहाँ पे परिक्रमा करिए, फिर एक और जगह लिंगा फिर थर्ड है लिंगा, हाँ वहाँ की परिक्रमा करनी है, फिर उसके बाद बाय द टाइम वी विल कंप्लीट दैट ऑल परिक्रमा, उसके बाद वो लाइट शो का टाइमिंग हो जाएगा। लेकिन क्या लोकेशन है यार, अल्टीमेट लोकेशन है, क्या जगह है, ये रहा। सो गाइस बहुत कठिन चढ़ाई उतर के आए जी। क्या हो गया, थक गई हो, हाँ वहाँ से आते आते थक गई क्या, उतार चढ़ाव ज़्यादा हो गया। ओके सो गाइज हम लोग आ गए हैं द फर्स्ट प्लेस वेयर वी नीड टू हैव परिक्रमा, पहला परिक्रमा करना है। बता दिया तीन परिक्रमा करना है आप लोगों को। सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आ चुके थे जहाँ पे नाग देवता थे और यहाँ पे सब लोग परिक्रमा कर रहे थे। मैं सोची थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ बट बोले कि नहीं आप बाहर से कर लो, यहाँ अंदर से अलाउड नहीं है। फिर मैं बाहर निकल गई थी, ये बाहर की तरफ आ गई थी, यहाँ पे पार्किंग वगैरह दिख रहा था और अभी आपको दिखेगा, ये देखिए ऐसे नाग देवता जी थे। सो गाइज परिक्रमा कर रहे थे, जो मंदिर था नाग देवता है उनका परिक्रमा इन्होंने कर लिया, मैंने नहीं किया क्योंकि थोड़ा दूर से जाके उनका वो लाइन लगाना है। मैं बस प्रणाम करके आ गई और आपको देखूँ परिक्रमा करके वो जो इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको ये पूरा करके जाएंगे यहाँ से, है कि नहीं। और क्या नहीं जानते तो पता करना पड़ेगा ना कि यहाँ क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है। वो बोला कि सर पहले आप जाइए यहाँ पे इसका परिक्रमा कीजिए, क्या नाम है, नाम नहीं, नागा का परिक्रमा कीजिए, फिर वहाँ पे परिक्रमा कीजिए, फिर जाएंगे आदि योगी के पास, स्टैचू के पास, उसके बाद एक और है वहाँ भी परिक्रमा कीजिए, तीनों परिक्रमा करने के बाद। लेकिन हमको तीसरा डेस्टिनेशन तो नहीं दिख रहा, हमको ये आदि योगी दिख रहा है, उसके बाद शायद वो नंदी जी को तो नहीं बोल रहे, हो सकता है। मैं बोला ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। सो गाइस सब लोग अपना स्लीपर खोल के, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग स्लीपर खोल के खाली पैर चल रहे हैं बट हम लोग अपना जूता चप्पल उतार क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, उन्होंने अपना जूता चप्पल अपने यहीं पे पास में उतारा है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि किधर उतारना है। अभी हम लोग जाएंगे आदि योगी के पास, तो उधर ही है ना, वहाँ से वापस आना पड़ता है, अब वहाँ से वापस बहुत लंबा डिस्टेंस है, इतना नहीं चल पाते है। खाना खा लिया भर पेट और ये गंदी वाली अभी तो बोल। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप जाओ थोड़ा सा शूट कर लो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना था, तो मैं यहीं पे पास में नीचे में बैठ गई थी। मैं इनको बोली आप तब तक घूम के आ जाओ क्योंकि इनको बैठने का मन नहीं था और मेरे को बैठना था, तो बोले ठीक है तुम तब तक थोड़ा देर रेस्ट कर लो, हम देख के आते हैं। फिर ये ग्राउंड पूरा घूम के सब कुछ देख वेख के आए, उसके बाद तब तक हम थोड़ी देर आराम कर लिए थे, उसके बाद वापस से फिर हम गए क्योंकि हम थोड़ा जल्दी थक जाते हैं और चलने के लिए बहुत ज़्यादा है उधर वैसे भी, तो फिर ये सब थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे। और गाइज वहाँ पे नॉइस इतना ज़्यादा था कि अगर ये कुछ बोलते भी तो आपको सुनाई नहीं देता, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं हम वॉइस ओवर कर लेंगे बाद में। और यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा था और ग्राउंड भी आप देख सकते हैं कितना भरा हुआ है और ऊपर में भी उतने ही ज़्यादा लोग थे और नीचे भी गाइस, नीचे में तो शूट नहीं किए हैं, वहाँ पे भी शंकर जी का शिवलिंग है और वहाँ पे भी सब प्रसाद वगैरह लेते हैं, परिक्रमा करते हैं और क्या बोलते हैं
चरणामृत वगैरह मिलता है, मीन्स गंगा जल वगैरह देते हैं, और प्रसाद आपको वैसे नहीं मिलता, प्रसाद आपको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन हमने नहीं लिया था प्रसाद, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ का तो लड्डू था, समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर नहीं लिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी और देख लेंगे। फिर बस हमने बस प्रणाम किया शंकर जी को। उसके बाद मैं तो बाद में गई थी, ये अभी जस्ट मेरे हस्बैंड घूम के आ रहे हैं ऊपर से ही, और फिर मैं वहाँ पे देखी बैठी हुई हूँ, मैं हाय भी कर रही, आपको दिख रहे होंगे हम। फिर ये आए थे, फिर जब ये आ गए थे उसके बाद से फिर मैं गई थी साथ में ऊपर, जहाँ पे स्टेचू है ना, वहाँ पे स्टेयर चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं, तो फिर मैं वहाँ पे चली गई थी। थोड़ा सा मैंने भी वहाँ पे एक्सप्लोर किया था, वैसे कुछ भी नहीं, बस सब स्टेयर चढ़ के जाओ, सब फ़ोटोशूट वगैरह ही करा रहे थे, और मैं यहाँ पे नीचे बैठी हुई थी। फिर मैं रेजिडेंट बोले चलो चलते हैं थोड़ा दर्शन करके आते हैं। तो ये देखिए जो लाइन लगी हुई है ना, ये लाइन उसी के लिए है, जो नीचे में शिवलिंग था उनके लिए लाइन लगी हुई थी। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन करके आ गए थे, अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। तो मुझे बोले तुम चलो आगे आगे, मैं थोड़ा तुम्हारा वीडियो ले लेता हूँ। वीडियो बहुत अच्छी तो नहीं आई है, बट ठीक है कोई बात नहीं। और मुझे जहाँ बोले थे थोड़ा हाय करो, तो मुझे लग रहा था कि बोल रहे हैं कि घूम जाओ, तो मैं एक राउंड घूम भी गई, खैर कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे एकदम मैं स्टैचू के क्लोज आ चुकी थी, ये आप देख सकते हैं, बस मैं इधर उधर मंडरा रही हूँ किधर खड़ी हो जाऊँ, दो चार फोटो ले लूँ, ऐसे ही कुछ सोच रही थी, और मैं पे खड़ी हो गई। और गैस ट्रस्ट भी बहुत गंदा फ़ोटो खींचे यहाँ पे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बस यहीं पे हम लोगों ने लास्ट मतलब दर्शन वगैरह करके फिर हम कैसा लगा? इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना, बहुत भीड़ है, बहुत मछली बाजार जैसे लग रहा, नहीं थक गया यार सच में, गर्मी भी बहुत हो रही है। मेरे को लगता है यार एशिया फाउंडेशन का ये जो प्लेस बनाया गया है शांति के लिए बनाया गया, लेकिन इतने लोगों के बीच में शांति मुश्किल है, आम इंसान जैसे आम है मिल पाए, सब घूमने आता है ना। एक तो ये देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस काइंड ऑफ बन गया, बहुत भीड़ है बहुत ज्यादा, सब अपना अपना कैमरा लेके कुछ व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ फोटो खींच रहे हैं। हम ये चीज पसंद नहीं करते दरअसल, इसको भी मैंने बोला था कि यार आज कम फोटो लेते हैं, कम पिक्चर लेते हैं। आएगा दो तीन बार आएंगे तो छोड़ देंगे फोटो लेना, एक दो बार तो बनता है ना। ठीक है गाइस, बने रहिए हमारे चैनल पे, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से, जब लाइट का फंक्शन स्टार्ट होगा तो आपको दिखाते हैं, जब तक हम किसी को पकड़ के हम दोनों का एक तो पकड़ चाहते हैं, सेल्फी बहुत हो गया है कि नहीं। कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत मैसेज पढ़ रहा था। क्या होने वाला है अभी? होगा लेजर शो, लेजर शो, लाइट शो, लेजर शो, बड़े बड़े लोग बैठवा दिए यार, लोग थक गए, ये लाइट शो के चक्कर में बैठा दिए पूरी तरह से। बोल रहे थे कितना टाइम हो रहा? 6:40 6:40 हो रहा, मतलब 20 मिनट बाद ही स्टार्ट होगा। Oh.
upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. सब हम लोग आदि योगी से निकल रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को पता ही था खैर, क्योंकि जब लाइट शो फंक्शन स्टार्ट हुआ था उसके 5 मिनट बाद ही से लोग जाने लगे थे। है ना, तबीयत खराब हो गई क्या तुम्हारी? तबीयत खराब नहीं हुई, लेकिन मेरे को सर्दी लग रहा है। मन कर दे सी? नहीं, गर्मी लगने लगेगा, वो ठीक हो जाएगा। तो सारा ट्रैफिक है, वो हम लोगों को धीरे धीरे इसी में गत्ते गत्ते जाना। अरे यार, इधर का रोडवा नहीं बनाया ना, दिक्कत है। लाइट शो में लग गया ना। लाइट शो गाइस, गाइस लाइट शो तो बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही अच्छा है ना। अच्छा, अगर आदि योगी आई है, अगर आदि योगी आओ तो लाइट शो जरूर देखना, क्योंकि वही देखने लायक है। बहुत ही अच्छा, बहुत। और ऐसा नहीं है कि लाइट शो ऐसे ही जो स्कूल कॉलेज वगैरह में होता था कुछ वैसा है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। आपको, आप वीडियो में देख ही लोगे वैसे तो, लेकिन जो वीडियो में देखोगे ना उससे ज़्यादा अच्छा कहीं रियलिटी में लगेगा, है ना। रियल में देखोगे तो। और हम लोगों ने इतना पूरा का पूरा शूट भी नहीं किया, इतना पॉसिबल ही नहीं था शूट करना। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, और अभी हमारी गाड़ी लग रही है पार्किंग में। और गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब जाके रेस्ट करेंगे, ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। और हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, बोलो बाय बाय गाइस। बाय 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 बाय। थक गए गाइस, खांसी भी आ रही है, सर्दी भी हो रही है, सब हो रहा है। ठीक है गाइस, बने रहिए हमारे चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।